हे एवरीवन, माय नेम इज पारुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स पॉटरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड में हमारे कौन कौन से टैक्सेशन रूल्स हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, अगर वो नहीं देखी हैं, तो उसे जाके देखें ताकि आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। डेट म्यूचुअल फंड में जो भी टैक्सेशन रूल्स के कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ सिमिलर हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हैं। तो आज इस वीडियो में आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि हम डेट म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके रूल्स हैं। म्यूचुअल फंड हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड सेकेंड है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। और दोनों में जो अर्निंग होती है हमारी वो सिमिलर सेम दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज डिविडेंड एंड सेकेंड इज कैपिटल गेन। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसमें क्या टैक्सेशन रूल्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारा है क्या, तो वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अपना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में जो भी हमारी डेट म्यूचुअल फंड से अर्निंग हो रही है, पहला डिविडेंड, दूसरा कैपिटल गेन, उस पर क्या टैक्सेशन रूल्स हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि डिविडेंड पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से समझते हैं। पहला कि यूनियन बजट 2020 से पहले क्या कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले वो समझते हैं, और जब यूनियन बजट 2020 आया तो उसके बाद कॉन्सेप्ट में क्या चेंज हुआ, फिर वो समझते हैं। पहले क्या होता था, जो टैक्स की लाइबिलिटी थी वो कंपनीज के ऊपर थी, मतलब कंपनी डिविडेंड पे करने से पहले इन्वेस्टर को एक टैक्स डिडक्ट करती थी, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब भी किसी इन्वेस्टर का अगर डिविडेंड इनकम 10 लाख तक है तो उस पर कोई कंपनी टैक्स डिडक्ट नहीं करती थी, लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो उस पर कंपनी टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही इन्वेस्टर को उनका डिविडेंड का अमाउंट पे करती थी, और जो भी वो टैक्स डिडक्ट करती थी वो गवर्नमेंट को कंपनी पे कर दिया करती थी। यूनियन बजट 2020 के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के ऊपर थी टैक्स पे करने की, टैक्स डिडक्ट करने की, वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर के पास चली गई, मतलब अब टैक्स जो पे करना होगा वो अपनी डिविडेंड इनकम पे इन्वेस्टर को खुद पे करना होगा। अब वो इन्वेस्टर कैसे पे करेंगे, सिंपल तरीका है उसका कि वो अपनी अदर सोर्स में उस डिविडेंड इनकम को ऐड करेंगे, अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, यानी कि अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और उसी डिविडेंड इनकम पे जो उन्होंने ऐड किया हुआ है अपनी टोटल इनकम में, उस पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही उनका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब हम समझते हैं कि कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। इसको हम टू पार्ट्स में अच्छे से समझते हैं, जो हमारे होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा कि अगर आपने अपने यूनिट्स 36 मंथ्स तक होल्ड करके रखे हुए हैं, यानी कि विद इन 36 मंथ आपने अपने यूनिट्स को सेल कर दिया या रिडीम कर दिया, तो वो उसे हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दूसरा, अगर आपने 36 मंथ से ज्यादा अपने यूनिट्स को होल्ड करके रखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो हमारे टैक्सेशन रूल्स हैं वो एज पर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका फ्लैट 20% टैक्स कैलकुलेट होगा आफ्टर इंडेक्सेशन, और इसमें आपका जो भी सरचार्ज होगा वो एड ऑन हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारा टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट ऑन डेट म्यूचुअल फंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछना, दूसरों को भी शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।